Hello everyone, this is Dr. Priyanka Sharma and I'm here with this short vlog. The reason is to record this vlog is one of my friends, she has called me and she is facing some problem जो कि आजकल ज्यादातर घरों में देखी जा रही है या ज्यादातर घरों में जिससे लोग जूझ रहे हैं. She has a kid of 5 years old and basically she is facing problem with learning. कि online classes में how to control behavior of a child क्योंकि उसका concentration बने. And another thing is how to teach concept. So here I will address the first one, lack of concentration. So the kids who are between 4 to 8 years old, तो इन बच्चों में वैसे भी अगर हम साइकोलॉजिकली अगर हम इस पर डिस्कशन करें, so इन बच्चों में वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन का जो स्पान है वो बहुत कम होता है. अगर 30 to 40 मिनट्स का पीरियड है तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हार्डली 10 मिनट्स का होता है. इफ दे आर डूइंग सम एक्टिविटी और कुछ और डिस्कशन या वीडियो अगर चल रहा है देन दे कैन सिट देयर बट डोंट कंपेयर इट विद द स्कूल एनवायरमेंट बिकॉज स्कूल में वी हैव क्लासेस वी हैव टीचर्स जो कि एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में विद स्किल दे हैंडल द सिचुएशन दे कीप मोटिवेट द चाइल्ड कि वो लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट हो उसको पॉजिटिवली सीखे. सो वी हैव नंबर ऑफ ट्रिक्स एंड मेथड्स जिससे टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं और बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में पॉजिटिवली लर्निंग की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं. डोंट कंपेयर इट विद द स्कूल क्योंकि घर में दिस इज देयर किंगडम. उनके पास खिलौने हैं उनके पास बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए है और घर में जो और लोग हैं उनके साथ में उनको उठना है बैठना है सुनना है देखना है कि क्या चल रहा है. सो इफ दे आर नॉट लिसनिंग प्लीज डोंट कंपेल देम कि तुम यहाँ बैठो तुम यही पढ़ो बिकॉज इट विल क्रिएट बोर्डम और उनको हो सकता है थोड़े समय बाद वो पढ़ने से जी चुराने लगे. सो प्लीज इफ द सिस्टम इज वर्किंग आपका जो लैपटॉप है उसका आवाज आप तेज कर दीजिए या उसको स्पीकर से आप जोड़ दीजिए एंड लेट देम लिसन क्योंकि रादर देन सिटिंग देम एंड डूइंग नथिंग और लर्निंग नथिंग इट विल बी बेटर कि वो पूरे कमरे में रहते हुए भी अगर उसको सुन रहे हैं देन इट विल बी फाइन. और डेली दे आर सिटिंग दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट राइट. तो उनको आप कंपेल मत कीजिए. अनदर इशू अनदर प्रॉब्लम वॉज हाउ टू टीच कॉन्सेप्ट राइट. सो द सजेशन दैट आई वॉन्ट टू गिव हियर इज लेट देम लर्न विद अ फ्लो. जो आप जो उसकी टीचर उसे सिखा रही है या सिखा रहा है लेट देम लर्न. वाई आई एम सेइंग सो बिकॉज अगर आपने उसको पहले सिखा दिया है and the teacher is using some another method so it will be difficult for child ki mama aap sahi the ya meri ma'am sahi hai. and please kabhi agar is tarah ki situation aapke samne aati hai don't be judgmental in this situation ki main hi galat main sahi hu tumhari ma'am jo padha rahi hai us pe dhyan mat do. please don't use these kind of sentences rather than handle this situation cleverly. You can tell them there are number of ways to teach a concept. जो आपने सिखाया है वो भी ठीक है and the method teacher is adapting is also correct. So इस तरह से आप बच्चे में बिना किसी negativity को लाए you can control or you can handle this situation. अगर बच्चा पहले से किसी कॉन्सेप्ट को जानता है फॉर एग्जाम्पल इफ ही और शी नोज हाउ टू काउंट
आपने अगर उसको किचन में अपने साथ बिठाकर लेंटिल्स से या बीड्स से या आइसक्रीम स्टिक्स से जिस भी तरह से आप उसको काउंटिंग या ऐड सिखा चुके हैं, सो प्लीज डोंट फोर्स हिम और हर कि तुम मैम जो सिखा रही है अब ये बैठ करके तुम सीखो, तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज बच्चे को बोर्डम होगा कि मैं जो कुछ मुझे आता है आप मुझे वो क्यों सिखानी है। इफ द ट्रिक इज न्यू, इफ द पैटर्न इज न्यू, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट कुछ चीजें कभी ऐसी होती हैं जो आप बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहता है, उसको पहले से आता है, यू कैन स्किप इट। और नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट जो है उससे पढ़ाने की, अगर बच्चा इतना समझदार है कि उसको अडेप्ट कर पा रहा है, लेट हिम और लेट हर डू। उसके अलावा अगर आपको ये दिक्कत आती है कि किस तरह से हम बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाएं, बिकॉज द टीचर नोज नंबर ऑफ वेज जिसकी जिससे वो बच्चों को समझाती है, पढ़ाती है, बट एज अ लेमैन अगर हमें वो सब ट्रिक्स नहीं पता है, देन हाउ वी कैन टीच आर चाइल्ड। तो आपने देर आर नंबर ऑफ वेबसाइट्स, देर आर नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स। आई विल सजेस्ट कि आप पहले R&D कीजिए, उसको देखिए कि वेदर दिस चैनल, वेदर दिस वीडियो इज यूजफुल और नॉट, बिकॉज बच्चे टीवी देखते हैं, बट अगर आप स्मार्टली कुछ कंटेंट उनके लिए निकालेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। अनदर थिंग इज जो इस ये जो एज ग्रुप है जो कि 4 से लेकर 8 years है, इसमें बच्चों की लिसनिंग स्किल पर आप ज्यादा वर्क कीजिए। इफ आई टॉक अबाउट लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और हिंदी, तो आप उसमें लैंग्वेज पर ज्यादा काम कीजिए और उनको लिसनिंग की प्रैक्टिस आप ज्यादा करवाइए, क्योंकि बच्चों को सिलेबल या अल्फाबेट्स या अक्षर, व्यंजन, स्वर, इन सब का ज्ञान, इन सब को सुनना और पहचानना आना चाहिए। और इसके लिए इस तरह के YouTube चैनल आप चुनिए जिसमें कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। देर आर नंबर ऑफ YouTube चैनल्स जिसमें कि ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं बट दे आर ग्रामेटिकली नॉट करेक्ट। सो प्लीज चूज स्मार्टली कि क्या आपके बच्चे के लिए अच्छा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, एंड देन जस्ट गो फॉर इट। आई थिंक इट विल रियली हेल्प यू। ओके, बाय बाय।